नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन वेक्टर्स के चैप्टर से 2014 में पूछा गया क्वेश्चन से इज अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजिशन कॉर्डिनेट्स एक्स कॉमा बाई आर टू मीटर एंड थ्री मीटर एट टाइम टी इक्वल टू जीरो सिक्स कॉमा सेवन एट टाइम टी इज इक्वल टू टू सेकेंड्स एंड थर्टीन कॉमा फोर्टीन एट टाइम टी इज इक्वल टू फाइव सेकेंड हमें बताना है फाइंड एवरेज वेलोसिटी हमें बताना है एवरेज वेलोसिटी t इज इक्वल टू जीरो से t इज इक्वल टू फाइव के बीच में क्या होगी और चार ऑप्शन अपने को वेक्टर फॉर्म में आई जे के फॉर्म में दिए हुए हैं नाउ बड़ा ही सिंपल सवाल है अगर अपने को दिया हुआ है एट टी इज इक्वल टू जीरो आर उसकी आर वन वैक्टर क्या लेते हैं उसकी पोजिशन हमें दी हुई है टू आई टू मीटर कॉमर थ्री मीटर विच मीन्स आर वैक्टर को हम लिख सकते हैं टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप नाउ आर टू वैक्टर है टी इज इक्वल टू फाइव आर टू वैक्टर वो हो जाएगा वो अपने को पोजिशन दे रखी है यहाँ पे थर्टीन मीटर कॉमा फोर्टीन मीटर तो इसका पोजिशन वैक्टर आप लिख सकते हैं थर्टीन आई कैप प्लस फोर्टीन जे कैप नाउ अपने को बताना है जीरो से फाइव सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी वॉट दैट मीन्स इज कि आपकी एवरेज वेलोसिटी वैक्टर फॉर्म में दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी टी आपका टाइम है विच इज़ फाइव सेकेंड। नाउ, इस केस में हम लिखेंगे आर टू माइनस आर वन यानी कि थर्टीन माइनस टू आई कैप प्लस फोर्टीन माइनस थ्री जे कैप डिवाइडेड बाय फाइव माइनस जीरो सो इसकी वैल्यू हो गई इलेवन आई कैप प्लस इलेवन जे कैप डिवाइडेड बाय फाइव ये आपका फाइनल वैक्टर आ गया नाउ देट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर करेक्ट रेस्पॉन्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नाउ इस क्वेश्चन में अगर कर नोटिस करें हमें एक और डेटा दिया हुआ है विच इज टी इज इगल टू टू पे अपनी ये 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 पोजिशन नाउ दैट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम दैट डेटा इज नॉट यूजफुल सो यू कैन इग्नोर दैट डेटा राइट सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट चॉइस